अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, उसके लिए वीडियो बनाई गई है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और वीडियो के स्टार्ट में मैं सारे क्वेश्चन पढ़ लेता हूं और फिर वन बाय वन क्वेश्चन देता हूं, ताकि जिनके क्वेश्चन हैं उनको स्टार्टिंग में ही पता चल जाए, पूरी वीडियो में ना देखनी पड़े। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास ए इज एक्टिव का 550 सीरीज के बारे में और डेवलपमेंट और प्राइस बतानी है। दूसरा क्वेश्चन है बाईजान फोर्थ फेल का क्या रेट है, कनाल की फोर्थ फेल का क्या रेट है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास गुलबर्ग रेजिडेंशिया 2900 सीरीज और 3155 ए टू जे सीरीज जो है, इसकी ज़मीन क्लियर है कि नहीं। उसके बाद है आसो वीडियो, प्लीज़ मेक डिटेल वीडियो ऑन डबल ए, ठीक है जी, इसी में बता दूंगा। फिर है जी प्लीज़ शेयर स्टेटस ऑफ एच ब्लॉक प्लाट नंबर 447। उसके बाद है कैन यू प्लीज़ मेक अ डिटेल वीडियो ऑन एच ब्लॉक एंड स्टैंडर्ड व्यू एरिया ऑफ एच ब्लॉक आर स्टिल अनडेवलप्ड, अप्रिशिएट इफ यू कैन कन्फर्म रिगार्डिंग एच ओ पी 463 करंट स्टेटस। एच ब्लॉक की कंप्लीट डिटेल वीडियो बतानी है और इनका प्लाट नंबर है 346 और एच ओ पी रोड कहाँ तक बनी है, ये सारी डिटेल इसमें इनके क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद भाई कह रहे हैं वेरी गुड, थैंक यू सैयद वहाब भाई, आई नो यू। कैसे हैं आप? कैरियर से हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है एच ब्लॉक में 300 सीरीज का स्टेटस, और उसके बाद है जी प्लीज़ टेल मी द स्टेटस ऑफ प्लाट नंबर 60 ब्लॉक बी ए कनाल। भाई मैंने आपको कोई 5 बार कह दिया है कि मैंने आपको नंबर दिया, मुझसे रब्ता करें, ये प्लाट मुझे चाहिए, मेरे पास एक क्लाइंट है इसका, और आपने कोई जवाब नहीं दिया। और मैंने आपको हर वीडियो में तकरीबन बताया इस प्लाट का स्टेटस है, इसमें भी बता दूंगा। अच्छा जी साम ब्रो, कैन यू कंफर्म एनी अपडेट ऑफ प्लाट नंबर 36 ए एग्जेक्टिव 2 मैन टू बी ऑन 60 फिट रोड कॉर्नर, मैनी थैंक्स निशान भाई। अच्छा जी, उसके बाद है मेक अ वीडियो ऑन P1 प्लीज़। अच्छा जी, उसके बाद है जी 2500 सीरीज़ का रेट क्या है, ब्लॉक नहीं लिखा, मेरे ख्याल से ए ब्लॉक का पूछ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन है जी ए ब्लॉक का 2582 सीरीज 7 मरले का स्टेटस, करंट प्राइस क्या और कहाँ तक निकल जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी सी ब्लॉक से वी ब्लॉक तक की सर्कुलर एवेन्यू कम्प्लीट होने का चांस हैं, अगर हैं तो कितना टाइम लग सकता है। उसके बाद प्रिंस भाई का क्वेश्चन है जी डबल ए का 3760 प्लाट कैसी लोकेशन और क्या मार्केट प्राइस है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन है जी प्लीज़ वीडियो बना दें 360 टू अदर। अच्छा, ये ए ब्लॉक के मेन रोड का पूछ रहे हैं, वीडियो इसकी ऑलरेडी पड़ी है, मैं उसी से एडिट करके आपको भेज दूंगा और वो जा के ही एडिट होगी, अभी तो मैं ऑफिस बैठा हूँ। अच्छा जी सर, ब्लॉक ए में चाहिए 1 कनाल विद एक्स्ट्रा लैंड स्ट्रीट बनी हो, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अच्छा जी ठीक है, फिर है जी प्लीज़ काइंडली इन्फॉर्म अबाउट पोजेशन स्टेटस ऑफ 2500 सीरीज ऑफ ए ब्लॉक। और मेरे ख्याल यहाँ तक जो है ये सारे क्वेश्चन हैं, इसके अलावा जो है क्वेश्चन वो सारे पुराने हैं, उनके आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो पहला क्वेश्चन है 550 सीरीज ए इज एक्टिव ब्लॉक की। तो पहले 550 सीरीज देखते हैं कि ये कनाल का प्लाट है या 7 मरला है, पहले मुझे ये देखने दें। अच्छा जी 550 सीरीज जो है ये है अपना 550 सीरीज जो है ये 7 मरले का प्लाट है और नॉन डेवलप है, अभी फ़िलहाल यहाँ कोई काम नहीं हुआ। ये एग्जेक्टिव 1 की न्यूज़ तो है काम होना, लेकिन जब तक काम शुरू नहीं होगा उससे पहले उस न्यूज़ को भी 100% छोटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक खबर है लेकिन जब तक काम नहीं होगा मुझे भी यकीन नहीं है उस खबर के ऊपर। तो वैसे जो भी इसका डेवलपमेंट स्टेटस है वो नॉन डेवलप भी है, काम वगैरह कुछ भी नहीं हुआ इसका। और प्राइस मार्केट प्राइस जो है वो तकरीबन 45 लाख प्लस माइनस है, इसके आसपास बिकेगा। डिमांड लोग 60 भी कर रहे हैं, 55 भी कर रहे हैं, 50 भी कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग रेट है वो 45 के आसपास है। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था फोर्थ फाइल कनाल का क्या रेट है, फाइलों का मैंने कोई काम नहीं किया ना आज तक बेची है, और कनाल का रेट मुझे नहीं पता अब ये क्या होगा, 1-2 लाख प्रॉफिट हो शायद या लेवल पे हो, लेकिन जो पहले रेट था 12-13 लाख किसी ज़माने में प्रॉफिट वो नहीं रहा। तो फाइलों का मुझे ज़्यादा नहीं पता, इसका मैं रेट वगैरह सारा एक बार स्टडी करके फिर कोई वीडियो बना के बता दूंगा, लेकिन मकसद नहीं है उसका। मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो लोग कहेंगे जी हमारी फाइलें बेचो, तो मैं फाइलों का काम ही नहीं करता, फिर मैं उनको अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं कर पाऊँगा तो उनको दिलदारी होगी, इसलिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ कि मैं फाइलों का काम नहीं करता। जी उसके बाद है जी गुलबर्ग रेजिडेंशिया में 2900 और 3155 से वाला जो क्वेश्चन था जी इनका ए ब्लॉक का, 2900 जो सीरीज है
1900 सीरीज़ में कुछ प्लाट जो है ना वो हल्की फुल्की कटिंग हुई है, लेकिन वो शुरू वाली 1900 सीरीज़ में है। ये जो आप कह रहे हैं ना ए से 2931 वाली शायद कह रहे हैं। अच्छा, खाली 2900 का अगर पूछना है तो वहाँ पे कुछ जगहों पे कटिंग है, लेकिन ये जो 2931 वाली ए से लेके ओ तक की लाइन है कि ये कोई कटिंग में नहीं आते प्लाट, नॉन क्लियर है। और ना ये 3155 ए से लेके जो दूसरा आपका क्वेश्चन है जे तक उसकी कोई कटिंग है, ये दोनों प्लाट एरियाज जो है ये भी नॉन क्लियर ही है। फिलहाल इसकी कोई काम मजीद नहीं हुआ। अच्छा जी, आसम वीडियो प्लीज़ डिटेल वीडियो ऑन ब्लॉक डबल ए। डबल ए जी किसी ज़माने में 35 लाख तक गया था, 30 लाख तक गया था जब सट्टा चला था। इस टाइम डबल ए का रेट जो है वो 17 लाख रुपए पे स्टैंड कर रहा है। 17 लाख प्लस माइनस 5,000 6,000 के नंबर जो है उसका 17 लाख से नीचे ऑफर आती है। एंड यूज़र हो तो 17 लाख तक उसको लोग बेचते हैं, और अगर जो छोटे नंबर हैं 1 से लेकर 3,000 तक वो 17 तक बिकती है मार्केट में। और एंड यूज़र हो तो उसको कोई 17 लाख 20,000 या 25,000 रुपये थोड़ी बहुत अपनी मजदूरी रख के कोई बेच देगा, लेकिन रेट जो है वो 17 लाख पे स्टैंड कर रहा है। डबल ए में प्लाट नंबर लगे हुए हैं, बहुत पुराना ब्लॉक है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई कि किस जगह पे आएगी। जो वैसे न्यूज़ है या जो एरिया है जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि आएगा वो पिंड मलका का एरिया है, वहाँ पे जो है वो डबल ए की अनाउंसमेंट है कि उस साइड पे आएगी, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। उसके अलावा कोई जगह भी नहीं है कहीं और देंगे। अच्छा जी, उसके बाद प्लीज़ शेयर स्टेटस ऑफ प्लाट नंबर 447H ब्लॉक। डबल फोर सेवन जी नॉन डेवलप है, और एच ब्लॉक की भी एक वीडियो पड़ी हुई है चैनल के अंदर ही। अगर आप देखें वीडियोस, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं है, थोड़ी सी वीडियोस हैं चैनल के अंदर, तो उन ब्लॉक्स पर ऊपर नाम लिखा हुआ है कि कौन सी किस ब्लॉक की वीडियो है। एच ब्लॉक का ये जो प्लाट है 447 ये नॉन डेवलप है, मज़ीद कोई काम नहीं हुआ हुआ। और उसके बाद जो भाई डिटेल क्वेश्चन पूछ रहे हैं एच ब्लॉक का, डेवलपड एरिया का और अनडेवलप का, वो मैं बता देता हूँ। एच ब्लॉक में जो डेवलप एरिया है ना वो 500 से लेके 600 की तक की सीरीज़ है। इसके शुरू शुरू के कुछ प्लाट बने हुए हैं, आगे जाके फिर ये नॉन डेवलप है। और इसी तरह 800 में कुछ प्लाट डेवलप हैं, कुछ 500 में हैं, और ये 5 मरले 7 मरले की डेवलपमेंट के नंबर हैं, और जो 10 मरला है वो शुरू में है जी, 1 से लेके कोई 60-65 तक के नंबर इसमें डेवलप प्लाट हैं। अच्छा, अब रह गया इनका क्वेश्चन 346 नंबर इनका प्लाट है, एचओपी रोड का प्लाट है। और एचओपी रोड जो है ना ये शुरू में बनी हुई है थोड़ी सी, जहाँ पे ओ ब्लॉक का कब्रिस्तान है वहाँ से शुरू होती है, थोड़ी सी बनी हुई है, फिर आगे एक पहाड़ी आ जाती है, और पहाड़ी के बाद फिर थोड़ी सी रोड बनी हुई है, और फिर उसके बाद आगे सारा नॉन डेवलप एरिया। तो एचओपी रोड अगर आप 100% को परसेंटेज के हिसाब से अगर पूछना चाहते हैं तो आप समझें कोई 10% बनी हुई है, 90% अभी नॉन क्लियर है। तो जहाँ ये प्लाट आता है आपका इस साइड के नज़दीक नज़दीक, मैं आपको बता सकता हूँ कि आखिरी प्लाट कहाँ तक है जहाँ तक एचओपी रोड बनी है, क्योंकि इसको दोनों साइडों से कंपेयर करना पड़ता है ओ और एच के। तो आखिरी प्लाट 12 13 14 15 16, तकरीबन आपके प्लाट से ना आप कह लो कि 20 या 30 फुट का फासला है जहाँ तक रोड बनी हुई है, उससे आगे फिर नॉन क्लियर एरिया है। लेकिन ये रोड मेन से स्ट्रेट नहीं आती, मेन से स्ट्रेट थोड़ी सी बनी हुई है, उसके बाद पहाड़ी है, फिर उसके बाद ये आगे बनी हुई है। अगर इस प्लाट तक या इस मेन रोड तक जाना हो बैक साइड वाली, तो ये गलियों से थोड़ा घूम के जाना पड़ता है, स्ट्रेट रास्ता नहीं है इसका। तो आपके प्लाट के नज़दीक तक एचओपी बनी हुई है, लेकिन प्लाट नॉन डेवलप है। और उसके बाद वाहब भाई का थैंक यू, एच ब्लॉक 300 सीरीज स्टेटस बता दिया जी, यही क्वेश्चन था इनका भी। 300 सीरीज सारी नॉन डेवलप पड़ी हुई है, कुछ एरिया में रोड बनी हुई है लेकिन प्लाटों की पोजेशन नहीं है अभी। और प्लीज़ टेल मी द स्टेटस ऑफ ब्लॉक बी 60 नंबर। ब्लॉक बी के 60 नंबर वाले ऑनर को मैंने 2-3 बार मैसेज किया है यहाँ पे कि मुझसे नंबर पर रब्ता करें, पर आपने रब्ता नहीं किया। मेरे पास आपके प्लाट की पार्टी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये मार्केट से कोड हुआ था मुझे, लेकिन बाद में उनसे कंफर्म नहीं हुआ। स्टेटस प्लाट का मैंने बताया था कि ये प्लाट मौके पे तैयार है, लेकिन प्लाट के बीच में गांव की रोड गुजर रही है जो प्लाट का तकरीबन 15 फुट जो एरिया है वो ज़ाया कर रही है। फ्रंट से ऐसे फ्रंट है तो बीच में से एक रोड गुजर रही है गांव की, तो इस वजह से इस प्लाट की पोजेशन नहीं है, लेकिन मौके पे प्लाट के ऊपर जाया जा सकता है। इसकी गली बनी हुई है, मेन रोड इसकी नहीं बनी हुई, मेन रोड दूसरी जो साइड है इसकी वो बनी हुई है, जो सी के सामने इस वाली नहीं बनी हुई, इसके सामने से गांव का एक रास्ता गुजर है। तो जब तक वो रास्ता ख़त्म नहीं होगा इस प्लाट की पोजेशन नहीं मिलेगी। अच्छा जी, इस्लाम ब्रो कैन यू कन्फर्म स्टेटस ऑफ एज एक्टिव टू।
एज एक्टिव टू में काम हो रहा है बॉस, और अभी तक पोजेशन की कोई अनाउंसमेंट जो है वो है, अगले साल तक शायद आ जाए। काम हो रहा है वहाँ पे और उम्मीद है पोजेशन मिल जाएगी एज एक्टिव टू में, लेकिन प्राइसेस काफ़ी डाउन हुई हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ये फेक प्राइसेस हैं, इतनी ज़्यादा हाइप बनाई हुई है मार्केटिंग कंपनी ने, इतना ही प्राइसेस इनकी नहीं है। जहाँ पे ये एरिया आता है वहाँ पे इनकी मैक्सिमम प्राइसेस 5 मरले की कोई 35 लाख रुपए तक होनी चाहिए थी, और 7 मरले की मैक्सिमम 40-45 लाख के दरमियान, 10 मरले की 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ऑलमोस्ट प्राइसेस इससे डबल ट्रिपल हैं, जिसकी वजह से ये उस टाइम तो कुछ चीज़ें बुकिंग में, फ़र्स्ट बुकिंग में चीज़ें बिकी हैं, लेकिन बाद में जो हायर प्राइसेस पे चीज़ें सेल हुई हैं वो अब दोबारा सेल नहीं होती, वो सब माइनस में हैं। किसी ने 70 लाख का 5 मरले बुक कराया ना, तो उसको 45 लाख की मार्केट से ऑफ़र आती है, तो जो पैसे जमे ऑलमोस्ट सारे माइनस हैं समझो। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैंने पहले भी बताया था। जब तक पोजेशन नहीं मिलेगी, पोजेशन मिलने के बाद उनके प्राइसेस आस्ता आस्ता राइज होंगे या अपनी जगह पे आएंगे जिस रेट पे चीज़ें बेची हैं, उससे पहले वहाँ रेट राइज होना नहीं है। और स्टेटस ये है कि वहाँ काम हो रहा है और गलियाँ वगैरह कुछ बन रही हैं अभी, और ज़मीन तकरीबन 90% एज एक्टिव टू की क्लियर ही है, उस पर इतना कोई मसला नहीं है। फिलहाल वेट का टाइम है, वेट करें जब तक कोई वहाँ पे सूरत हाल बेहतर नहीं होती, पोजेशन के नज़दीक नहीं आती चीज़ें, उससे पहले अब इन चीज़ों को पूछने का या बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो रेट पे बुकिंग हुई है उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, लॉस ही लॉस है। अच्छा जी, P1 की वीडियो बनानी है, P1 की पूरी वीडियो बनी हुई है, P1, 2, 3, 4 की स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल आखिरी प्लाट तक, वो सारा एरिया मैंने उसमें दिखाया हुआ है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। इसमें 2500 सीरीज़ का रेट, आप ब्लॉक में लिखा, अगर 2500 सीरीज़ ए ब्लॉक का पूछ रहे हैं तो ए ब्लॉक का जो 2500 सीरीज़ में 5 मरला है उसका रेट तकरीबन इस टाइम 40 लाख के करीब है, और मेरे ख्याल से इसमें 2500 सीरीज़ में 10 मरला या कनाल नहीं है। हाँ जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 2500 सीरीज़ में 7 मरला ही है ए ब्लॉक में, उसका रेट 40 के आसपास है, 37 से 38 लाख रुपये की ऑफ़र आती है इस टाइम मार्केट से मैक्सिमम अगर बेचें। जो नीचे भाई का क्वेश्चन है 2582 नंबर, उनकी भी सेम यही पोजीशन है, 40 लाख रुपया एक एवरेज रेट है प्लाट का, ऑफर मार्केट से 37 से 38 लाख रुपये तक आएगी जिसके पास क्लाइंट हुआ। पहले रेट था किसी ज़माने में यहाँ पे 60-65 तक, अभी नहीं है। तो जी उसके बाद है सी ब्लॉक, बी ब्लॉक का सर्कुलर एवरेज कम्प्लीट होने का चांस है, अगर है तो कितने, बिल्कुल जी चांस है और काम हो रहा है मौके पे। के ब्लॉक के सामने से भी रोड बन रही है, शिवरी डल गई है उसकी, और बजरी वगैरह भी उन्होंने डाली है, अभी काम लगा हुआ है उस पर, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये दोनों जगह कनेक्टेड हो जाएंगी, इसका कोई इतना मसला नहीं है, सर रोड का ये कनेक्ट हो जाएगी, काम दोनों साइडों से लगा हुआ है इसके ऊपर। टाइम आप क्या कह सकते हैं, टाइम इनकी स्पीड के ऊपर है, काम अगर स्पीड से किया जाए तो 6 महीने का काम भी नहीं है, लेकिन साल कम अज़ कम लग जाएगा प्रॉपर रोड क्लियर होने में और प्रॉपर बनने में। अच्छा जी, उसके बाद है डबल ए 3760 प्लाट की लोकेशन कैसी है मार्केट वाइज। डबल ए सारा जो है ना फाइलें है, उसमें लोकेशन मैटर ही नहीं करती, सिर्फ अगर बाउंड्री का प्लाट हो मैप के ऊपर तो उसका रेट कम है, उसके अलावा अगर आगे पीछे जहाँ भी है या मेन रोड का है उसका थोड़ा फ़र्क पड़ता है। कैटेगरी नहीं है, जनरल प्लाट है तो फिर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बाउंड्री का नहीं है तो तकरीबन सबका रेट एक ही जैसा है। 3700 सीरीज़ का इस टाइम जो मार्केट प्राइस है ना, वो मार्केट में प्लाट आ भी रहे हैं 3700 सीरीज़ के, और वो 17 लाख रुपए के हिसाब से आ रहे हैं, बाकी ऑफ़र देने पे है कुछ गुंजाइश भी कराई जा सकती है, क्योंकि डबल ए का रेट मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले बताया कि 17 लाख के अंदर स्टैंड कर रहे हैं, तो थोड़ा प्लस माइनस करके डील फ़ौरन हो जाती है। अच्छा जी, प्लीज़ वीडियो बना दें प्लाट 360 अदर साइड। अजी ए ब्लॉक का जो आपका क्वेश्चन है ना, इसकी वीडियो मैं एडिट कर दूंगा या लिंक दे दूंगा, ए ब्लॉक का वीडियो बनी हुई है बॉस आपके प्लाट की, और 2-3 बार मैं आपको आंसर कर चुका हूँ, इस प्लाट की वीडियो का मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अच्छा जी, सर जी सर ब्लॉक ए में चाहिए 1 कनाल विद एक्स्ट्रा लैंड स्ट्रीट बनी हो। भाई जान, ए ब्लॉक में बिल्कुल गिनती के कुछ प्लाट हैं जिनकी पोजेशन है, और उन प्लाटों में कोई भी ऐसा प्लाट नहीं है जो एक्स्ट्रा लैंड वाला हो। हाँ अलबत्ता बड़ा प्लाट लेना है, एक सीरीज ऐसी है ए ब्लॉक में ना जिसमें 50-90 का साइज़ नहीं है, उसमें 60x90 का साइज़ है, मतलब 1.5 कनाल के करीब ज़मीन है, तो वहाँ पर जो है आपको इतने में चीज़ मिल सकती है। उसमें अगर प्लाट लेना चाहते हैं तो वो आपको तकरीबन 4 करोड़ रुपया उनकी आस्किंग है, बात की जा सकती है, रेट भी गुंजाइश करा सकती है, और प्लाट जो है वो 60x90 हैं, बिल्कुल ए ब्लॉक में जो मेन रोड है एंटर होते साथ, ये समझे मेन रोड है और ये सामने घर होगा आपका, इतने नज़दीक तरीन एरिया है रेजिडेंशिया में। अगर कहें सबसे पहला घर कौन सा है तो वो ये एरिया जो मैं बता रहा हूँ 60x90 के प्लाट हैं, तो यहाँ पर आपको बड़ा प्लाट मिल सकता है एक्स्ट्रा लैंड के साथ, आप इस पर घर बना सकते हैं, कॉर्नर भी देखा जा सकता है, स्ट्रीट कॉर्नर भी देखा जा सकता है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, 2-3 प्लाट हैं टोटल यहाँ पे जो अवेलेबल हैं। पहले आए थे 7-8 प्लाट,
जो इनमें से दो पे घर बन चुके हैं, बाकी बिक चुके हैं। अभी इस टाइम एक दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन मैक्सिमम मिलेंगी। रेट 4 करोड़ पे उनकी आस्किंग डिमांड है। बाकी ये है कि हम बात कर सकते हैं, नंबर मैं आपको दे देता हूँ, हम उससे रब्ता ज़रूर कर लेना, फिज़िकली विज़िट करने आके विज़िट कर लें। इसके आगे का जो एरिया 300 वाली साइड, वहाँ पर कोई ऐसा प्लाट नहीं है जो एक्स्ट्रा लैंड के साथ हो, वो सारे 50x90 के प्लाट हैं और ये 60x90 के प्लाट हैं। 1.5 कनाल के करीब ज़मीन है इसकी, बहुत खूबसूरत घर बनता है यहाँ पर। अच्छा जी, ये प्लीज़ काइंडली इन्फॉर्म आउट पोजेशन स्टेटस ऑफ 3500 सीरीज़ A ब्लॉक। 3500 सीरीज़ का फ़िलहाल वही काम हुआ है जो पहले हुआ है, कोई आगे मजीद तो कोई ख़ास कटिंग वगैरह नहीं हुई। पोजेशन का अभी फ़िलहाल कोई चांस भी नहीं है क्योंकि गलियां नहीं बनी, सिर्फ ग्राउंड बना है वहाँ पे कुछ जगहों पे 3500 सीरीज़ में। अलबत्ता रेट जो है वो गिरता जा रहा है मार्केट में, पहले 1 20 25 के दरमियान स्टैंड कर रहा था, इस टाइम रेट 1 10 15 के दरमियान आ गया और लग ऐसे ही रहा है, अगर मजीद काम ना हुआ तो रेट करोड़ से भी नीचे चला जाएगा। अच्छा जी, थैंक यू। उसके बाद भाई ने कहा जी आपने अच्छा स्पीच किया, और तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जी, यहाँ तक थे सारे आज के क्वेश्चन। और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे रब्ता कर लेना, मेरा नंबर दिया होता है। आप कोई भी सेल परचेज करना चाहते हैं गुलबर्ग में तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कोई फार्म हाउस लेना चाहते हैं, आप कोई अपार्टमेंट लेना चाहते हैं या आप कोई प्लाट लेना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ आपके साथ डील होगी जो मौके की होगी। फाइलों का काम मैं नहीं करता, ना कोई ऐसा अपार्टमेंट का काम करता हूँ जो भी बना ही नहीं हुआ। मौके के ऊपर जो चीज़ें मौजूद हैं वो आप पेमेंट दे के अपने नाम पे उसी टाइम चीज़ें कराएं, आप भी सेफ मैं भी सेफ। फाइलों वगैरह का मैंने काम नहीं करना, ना मैंने कोई ऐसे कमर्शल प्रोजेक्ट का काम करना जो भी बना नहीं हुआ। तो जो मौके की चीज़ें हैं ऑन ग्राउंड रियलिटी जो प्रॉपर रियल स्टेट है उसके मुताबिक, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी नंबर दिया हुआ, आपने किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है, और कोई भी सर्विसेज चाहिए हो तो मेरा ऑफिस जो है वो गुलबर्ग इस्लामाबाद के अंदर ही है, सोसाइटी हेड ऑफिस के बिल्कुल बैक साइड पे, आपको मोस्ट वेलकम है। आप जब मर्ज़ी चाहें फ़ोन करके आ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको सर्विसेज मिलेंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर बताया करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।